नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, 93 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं मत, लोगों में दिखा उत्साह। दूसरे चरण के 93 सीटों के लिए दिग्गजों ने डाला वोट, पीएम मोदी की मां हीराबेन और हार्दिक पटेल के माता पिता ने भी डाला वोट। आखिरी चरण के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी की अपील, रिकॉर्ड संख्या में करें मतदान, 18 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया आईएनएस कलवरी, कहा हिंद में बढ़ेगी ताकत, दोहराया सबका साथ सबका विकास का नारा, भारत में बनी पहले स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी। गुजरात चुनाव पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की चुटकी, कहा कमल का फूल ऑलवेज बनाविंग अप्रैल फूल, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिहार में बढ़ी नीतीश सरकार की मुश्किल, सीएम से नाराज जीतन राम मांझी ने किया प्रदर्शन, बिहार में शराबबंदी को बताया फ्लॉप। जम्मू कश्मीर हिमाचल में भारी बर्फबारी से गिरा तापमान, ठंडी हवाओं से दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठिठुरन, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका, शीर्ष सलाहकार ओमारोसा मैनिगॉल्ट ने दिया इस्तीफा, मैनिगॉल्ट अमेरिका में टीवी रियलिटी कार्यक्रमों के लिए हैं मशहूर। और बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में 0.25% की बढ़त, निफ्टी 10,200 के ऊपर, सेंसेक्स 33,100 के करीब कर रहा है कारोबार। ये थी अब तक की सुर्खियां, आप देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।